लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। नायडू जी आगे क्या बेटा? आने का समय हो गया है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुहूर्त का समय हो गया। मुहूर्त में तो अभी समय है, पर उस महान इंसान को देखने के शुभ मुहूर्त के लिए जल्दबाजी कर रहा हूँ। अच्छा। इस गांव में कदम रखने पर ही उनकी अच्छाई के बारे में, महानता के बारे में सुना था मैंने। अब मैं उन्हें आंखों से देखना चाहूंगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते 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 मालिक। नमस्कार। नमस्ते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। नमस्कार रायडू जी। अरे आशीर्वाद देने वाले हाथों से हमें नमस्ते मत कीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायुष्मान भव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 100 साल पुत्र प्राप्ति हो, सदा सुखी रहो। रुक जाइए, कृपा करके आप आशीर्वाद मत दीजिए। आपके बच्चे नहीं हैं, आप बांझ हैं। ऐसे में आपका पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना ठीक नहीं लगता ना बहन जी। माँ दिमाग खराब है क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप आज? साहब और मेम साहब यहाँ के भगवान हैं, इनके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। अंधेरे में क्यों बैठी हो जानकी? ए, उन्होंने जो कहा उससे दुखी हो क्या? उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। कोई भी माँ अपनी बेटी का भला ही चाहेगी। मुझे बांझ का इस बात का दुख नहीं है। मैं आपको वारिस नहीं दे पा रही हूँ, इसका दुख है। मेरे कारण आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इससे दुखी हूँ। इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। जानकी तुम बहुत गलत सोच रही हो। तुमने कहीं और जन्म लिया, फिर अपने घर वालों को छोड़ के मंगलसूत्र के साथ इस घर में कदम रखा। उस मंगलसूत्र को छीनने का हक भगवान के पास भी नहीं है। पर बच्चों के लिए मन को मार कर अगर दूसरी शादी कर भी लूं तो मैं इंसान के तौर पे मर जाऊंगा। नहीं, माफ कर दीजिए, फिर से मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। आप ऐसा मत बोलिए। अरे फिर से कभी ये बात नहीं करूंगी, कभी नहीं कहूंगी। बेटा तुमसे मिलने शास्त्री जी आए हैं। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहने आया हूँ। बोलिए। पूरे गांव को खुद के बच्चों की तरह ख्याल रखने वाले आपके उस भगवान ने बच्चा नहीं दिया, मतलब विश्वास नहीं हुआ। तो राघव से कह के मैंने आपकी कुंडली मंगवा के देखी। शादी के कुछ सालों तक कुंडली में दोष होने के कारण संतान प्राप्ति में देरी हुई है। दोष का हल निकलवाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत शुभ समाचार आपने सुनाया पंडित जी। इस शुभ समाचार के साथ एक छोटा सा बुरा समाचार भी है। और वो क्या है? बच्चे जब छोटे ही रहेंगे तब आप दोनों की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुंडली में लिखा है। बस इतनी सी बात है, हमें कुछ भी हो जाए परवाह नहीं। मेरी जान की माँ बन जाएगी ना, बस काफी है। उसे कोई बांझ कह के नहीं बुलाएगा, हमारे लिए काफी है। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान अगर बहुत जीता है तो 100 साल जीता है, 1000 साल नहीं जीता। लेकिन वंश अगर वारिश होगा तो इंसान की उम्र 1000 साल की हो जाती है। अपने वंश को जिंदा रखने के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं पंडित जी। अरे बच्चों संभल के देखो, सड़क कैसे नहीं पार करो। हाँ, बचा लिया इसे। कितना प्यारा है ना। पापा! अरे ये क्या हो गया? बेटा अशोक, बेटा ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रो मत बेटी, जब तुम इस दुनिया में आओगी तो हम भगवान के पास जाएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी। वो मन्नत पूरी करने वाले हैं हम, भगवान के पास जा रहे हैं। अपनी बहन का ठीक से ख्याल रखना। तुम्हारे जैसे भाई बहन इस दुनिया में कहीं नहीं, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। माँ! बेटा, बाबा, बेटी आगे खोलो। अरे आगे खोलो बेटा, मैं हूँ। उठो बेटा, बेटी आगे खोलो ना। रो क्यों रही हो? मुझे मेहंदी पसंद है ना भैया। शुभ्रा जी के खेत में जाकर मेहंदी का पत्ता ला रही थी तो पैर में कांटा चुभ गया। अरे रे, कहाँ है बताओ? ओहो, खून आ रहा है। तुम फिर कभी मेहंदी के लिए बाहर मत जाना। तो फिर आप घर में ही मेहंदी का पौधा लगाओ। जन्मदिन है ना, और जन्मदिन पर मेहंदी लगाई जाती है। तुम्हारा जन्मदिन ही हमारे घर का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए मेहंदी लगा रहा हूँ। तो फिर हर जन्मदिन पे आप मुझे मेहंदी लगाना। ठीक है, जरूर लगाऊंगा। लक्ष्मी, 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 सुबु चाचा लक्ष्मी को देखा है क्या? नहीं बेटा, नहीं देखा। सीता चाची लक्ष्मी को देखा? मैंने नहीं देखा। सुनो, क्या हुआ चाचा? लक्ष्मी मिल नहीं रही। लक्ष्मी मिल नहीं रही है? कहाँ चली गई होगी वो? अरे लक्ष्मी, हाँ देखो तो, कहाँ चली गई होगी? और फिर आज तो उसका जन्मदिन भी है, इसलिए तो मुझे टेंशन हो रही है। शैतान मेरे साथ मजाक कर रही है, अभी तुझे बताता हूँ। रुक लक्ष्मी, लक्ष्मी भागो, भागो। अरे रुक जा, रुक लक्ष्मी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी लक्ष्मी का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, राखी का त्योहार भी है। मतलब भाई और बहन का त्योहार है। अब भैया की रक्षा के लिए तुम राखी बांधो। नमस्ते साहब। बोलिए। जो बात है वो बताना चाहिए जी। आपकी बहन देवी है जी। ऐसी देवी हमारे गांव में पैदा हुई है, हमारी खुशनसीबी है। तारीफ छोड़ के मुद्दे पे आ जाओ भाई। हाँ, बताता हूँ जी। कल मैं अपने मजदूरों से काम करवा रहा था जी, तभी क्या हुआ कि, अरे सुनो, हाँ मालिक। काम होने के बाद खेतों में जाकर कौओं को भगाने वाला पुतला लगा देना। ठीक है मालिक, ठीक है। दीदी, मेरी बीड़ी से धुआं नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से देख, ऐसे रख के ऐसे फूंक। जलाया तो यहाँ, धुआं वहाँ से क्यों आ रहा है? अरे कौन है वहाँ? हाँ? अरे रघु देखो, कोई आग लगा के भाग रहा है, पकड़ उसे। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? किसने आग लगाई? हाँ, रुको 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 रुको। ऐसा हुआ था जी। तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? कल शाम को हुआ ये कि जाओ जाओ जल्दी मजा चखा दो। इन्हें मजा चखा कर ही आना। शाबाश जाओ। कबड्डी 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 पकड़ो 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 वहाँ से। अरे उसे जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो कबड्डी 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 पकड़ो कबड्डी 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 पकड़ो 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 कबड्डी 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 पकड़ो वहाँ से, पकड़ो जाने मत देना इस बार से। कबड्डी कबड्डी कस के पकड़ो कबड्डी 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 खींचो 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 पीछे खींचो कबड्डी। अरे अरे बाप रे बाप, मेरे रंग मेरे मटके फोड़ दिए। अरे बाप रे बाप, अरे क्या कर दिया, मेरे मटके मेरे रंग, अरे मेरे मटके। तुम लोग क्या कर दिया तुम लोग, भाग कर रहे हो, मेरे मटके फोड़ दिए, मेरा रंग बिखेर दिया। बाप ने क्या ये हुआ साहब। वापस आके आरती उतारती हूँ। भैया आरती, चाचा मुझे भी आरती, भैया हाँ? उन्हें भी आरती दे दो। हाँ दे दो, आरती ले लीजिए। बात बताई तो नहीं ना, अगर बताई ना तो पूरे खेत में आग लगा दूंगी, तुम्हें भी आग लगा दूंगी। भैया हाँ बोलो, ये भी बहुत बड़े भक्त हैं मेरी ही तरह। हाँ जी हाँ जी। तुमने कुछ कहा? मैं पहले ही समझ चुका हूँ, ज्यादा बोल के मेरा बीपी मत बढ़ा छोड़ दो। लक्ष्मी जी भैया, वो लोग गणेश चतुर्थी के चंदा के लिए आए हैं, अपने हाथों से 10,000 दे दो। चाचा जी दे दो, किसको कितना देना है तुम्हें तो पता ही होगा। मतलब वो बेटी कौन से भगवान को कितना देना चाहिए तुम्हें पता है ना, उसी तरह दे दो। वो तो पता नहीं, पर आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। गणपति जी, गणेश जी, पार्वती पुत्रा, शिव पुत्रा। क्यों रे, रात को चढ़ी हुई उतरी नहीं है क्या? हनुमान जी के मंदिर में आके गणेश जी को याद कर रहा है। अबे पागल कहीं के, इस सुनामी सुब्बू को कुछ पता नहीं है, तू समझता है? उन्हें और इनमें कोई अंतर नहीं है। इस अवतार में उनके पीछे पूंछ है और उस अवतार में आगे सूंड है। चुपचाप प्रार्थना कर। स्वामी गणेश, हनुमान जी, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा, पीने के लिए 1 क्वार्टर, साथ में खाने के लिए थोड़ा चखना, इतना ही काफी है स्वामी जी, इतना ही काफी है। पापी कहीं का, मंदिर में लड़की को करता है, वो भी सुनामी सुबह के सामने। मारो बहन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बहन, तुम्हें पहले ऐसे छुएगा, तुम चुप रहोगी, फिर तुम्हें ऐसे पकड़ लेगा, उसके बाद फिर भी अगर तुम चुप रही तो तुम्हें ऐसे चूम लेगा। मेरा पति मुझे छुएगा, इससे तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तुम उसकी बीवी हो। नहीं तो क्या तुम्हारी बीवी हूँ? मारो इसे, मारो। तुम्हारा मानना करेक्ट है, मैं मानता हूँ। तू क्या मानेगा बे? हाँ ठीक है, अब सुधर जाएगा ये। चलो चलो, टूट गई है। अब पंडित आरती करो। कैसे आदमी हो, किसी को कोई इतना मारता है क्या, हाथ पैर तोड़ देता है। कौन है जो खेतों में आम तोड़ रहा है? अरे बाप रे, जाओ जाओ। अरे बाप रे। लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी को सांप ने काट लिया भैया। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, शिवाजी जल्दी से बैग को बुला कर ला, जल्दी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन को काटा। चाचा जी, हाँ, इस गांव में एक भी सांप नहीं रहना चाहिए। उनके बिल तक तोड़ दो। नहीं भैया, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। उसे छोड़ दीजिए। नहीं बहन, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए छोड़ दीजिए भैया। खतरा टल गया बेटा। जहर पैरों में है, इसलिए अगर रात को सोएंगे तो वो जहर सर पे चढ़ जाएगा। तो आज रात इसे सोने मत देना, बस। ठीक है वैद्य जी साहब, इस गांव में किसी पे मुसीबत आती है तो आप ही देखते हैं। आपकी बहन पर मुसीबत है तो हमें नींद कैसे आएगी? पूरा गांव जागकर आपकी बहन को सोने नहीं देगा आज की रात। हाँ साहब, बिल्कुल। नहीं हुआ था, नहीं देख, लेकिन बात यह है कि पिछली बार फिर से देखो। मेरी क्लासमेट नंदिनी, उसे बचा लीजिए। हेलो पुलिस स्टेशन। नंदिनी, मारो इसे। चल लेके जाइए, चल चल जा। अब बताओ कौन था वो? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो मेरा जीजा है। तुम्हारे जीजा? हाँ, 6 महीने पहले पिताजी की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब दीदी मुझे अपने घर ले गई थी। उन्होंने सोचा कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। नंदिनी, तुम्हें अपने बालों में गजरा लगाने का बड़ा शौक है ना? देखो, उस दिन जो रिश्ता आया था वो अगर तय हो गया तो तुम अपने बालों में गजरा लगाओगी, रोज नई साड़ी पहनोगी, धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएंगे, ठीक है ना दीदी? आप भी ना। अरे वर्दनी, सुनिए, काम हुआ कि नहीं? लड़के वालों ने क्या कहा? तुम्हें ये लड्डू खाने के लिए कहा। नंदिनी, तुम भी खाओ। मुंह मीठा करवा रहा है, मतलब कोई अच्छी ही खबर होगी, है ना? हाँ, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। 5 लाख दहेज मांगा है उन लोगों ने। 5 लाख रुपए? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते है ना, इसीलिए एक निर्णय लिया है मैंने। वो क्या? शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बहन का पति मैं ही बन जाता हूँ। क्यों, मिठाई कड़वी है क्या? गले के नीचे नहीं उतर रही है? आपकी पत्नी तो मैं हूँ, फिर अब दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे पता था तू नहीं मानेगी, इसलिए तेरे लड्डू में मैंने जहर मिला दिया है। थोड़ी देर में तू शमशान और मैं मंडप पे पहुँच जाऊंगा। दीदी, 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 दीदी। सीने में दर्द के कारण मौत हुई, ऐसा सर्टिफिकेट लेकर पुलिस को भरोसा दिला दिया। मेरी शादी हो जाए, यही दीदी की आखिरी इच्छा थी। ऐसा गाँव वालों का भरोसा दिलाया और अब जबरदस्ती मुझसे शादी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं भाग कर आ गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नंदिनी, रो मत। तुम्हें बचाने वाला हमारा अशोक है, ये पता चला ना, तो तुम्हारा जीजा तुम तक पहुंचेगा भी नहीं। तुम डरो मत भैया। ऐसी स्थिति में नंदिनी का अकेले रहना ठीक नहीं है। हमारी फैक्ट्री में इसे कोई काम दे दीजिए, फैक्ट्री के क्वार्टर्स में रह लेगी। ठीक है लक्ष्मी। बस के लिए भी सुनामी सुबह को वेट करना पड़ रहा है। सीएम से बोलकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ट्रांसफर करवा दूंगा, तब लोगों को पता चलेगा कि सुनामी सुबह क्या चीज है। बता दे भैया, बस के लिए वेट कर रहे हैं? नहीं भैया, हवाई जहाज का वेट कर रहा हूँ। अरे भैया, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ देता हूँ, आओ बैठो। तू कौन है मुझे नहीं पता, जा जा। मुझे पता है आप कौन है, सुनामी सुबह को तो इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है। भैया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। आइए ना भैया, भैया आइए ना। भाई, दोनों का रंग एक ही है, जबकि हम दोनों की माँ अलग अलग है। कितना अच्छा कलर है ना, साथ में चलेंगे, साइकिल उठा। ठीक है भैया, ठीक है, आओ उठाता हूँ। ये क्या है, सांप की तरह साइकिल क्यों चला रहा है? अबे मेरी कमर टूटने, कितना हिला रहा है। साइकिल को ठोकने के साथ साथ मेरी बीवी के ऊपर भी गिरने की कोशिश की, बच गया, नीचे गिरता तो मर जाता। रुको रुको रुको, माफ कर दो, आइंदा ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान से, मतलब ध्यान से। इतना मारा कि 1-2 हड्डी खिसक गई। अबे मेरा फैन कहाँ गया? इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं क्यों बे? नहीं भाई, तेरे और मेरे बीच में कोई संबंध है क्या बे? भैया मारना मत प्लीज। मैंने तुझे कहा था साइकिल पे बिठाने के लिए, तो फिर मुझे साइकिल पे बिठा के क्यों मुझे मार के लाया बे? तूने आप देखा मेरी क्या हालत है? भैया, साइकिल चलाना अभी शुरू किया है, पीछे की सीट पे कभी किसी को नहीं बिठाया था, इसलिए आपको बिठा लिया। ये सुनामी सुबह तुझे लगेज दिखाई देता है क्या बे? नहीं भैया। चल ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, चल जा। घर जाके 3 गिलास पानी और 3 क्वार्टर लेना होगा। मत मारो। आकाश कृष्णा थिएटर में आज से रोज 4 शोज होंगे और पिक्चर का नाम है मैं तेरी दुल्हन। बंद कर अपना मुंह। सेकंड हाफ मैं बताती हूँ, दीदी आइए और आके देखिए, देख के खुश हो जाइए। दानवीर शूरवीर कर्ण, इसमें है हमारे अपने नागार्जुन, निर्माता है वेंकटेश। रुक क्यों गए? गड्ढे में गई गाड़ी। ओह अच्छा, मैं नहीं 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 आप बैठो, आप बैठो दीदी। हम लोग धक्का देते हैं ना, करते हैं ना, आप बैठो दीदी, हम देख लेंगे। धक्का मारो मारो मारो, धक्का 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 मारो। अरे जोर से मारना, मारो धक्का, अरे जोर से मारो, मारो धक्का। निकल नहीं रही। अरे ए ए ए चलो हटो, तुमसे नहीं होगा। ये इतना भारी क्यों है? दानवीर कर्ण का बॉक्स है ना। ओह, नागार्जुन की फिल्म है इसीलिए इतना वजन है क्या? ओके, थैंक यू। भैंस की तरह अंदर बैठ के मुझसे धक्का मरवाती हो। तुम लंगड़ी हो क्या? तुम खुद धक्का नहीं मार सकती हो? हाँ ना, सच में लंगड़ी हूँ मैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आपका सिर्फ एक ही पैर है, ये मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं जी। थैंक यू। आखिर बात क्या है भैया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आखिर बात क्या है? कुछ बोलिए भी। तुम सबको हुआ क्या है? हाँ, हुआ हमें नहीं, तुम्हें है। मुझे क्या हुआ है? कपड़े लेने जाओ तो खुद के कपड़े लेकर जाता है, ऐसा कहते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहने वाली हूँ। अरे बुजी, तू ही बता बात क्या है यार। आपका पैंट आपको पहनना भूल गया चाचू। पैंट मुझे कैसे पहनेगा? पैंट को तो मैं पहनूंगा ना। पैंट पहनना भूल गए मतलब प्यार में गिर गए हो। कौन है वो लड़की? लक्ष्मी, आज तो तुम अपने भैया से मेहंदी लगवा रही हो, पर कल तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगी, तब कैसे लगवाओगी? ससुराल तो क्या, इस दुनिया में मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, जन्मदिन पर मेरे भैया मेरे पास आकर मुझे मेहंदी जरूर लगाएंगे। भैया ने अगर मुझे मेहंदी नहीं लगाई या मैंने भैया को राखी नहीं पहनाई तो समझ लेना वो मेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा फिर कभी नहीं बोलना। पर ऐसा दिन नहीं आएगा भैया, मैं तो कहने के लिए कह रही हूँ। कहने के लिए भी ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं आनी चाहिए, समझ गई? ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धये धीमहि तन्नो धनुः प्रचोदयात्। बहन के जन्मदिन के अवसर पर हर साल इस गांव में कुछ न कुछ आप अच्छा काम करवाते हैं। हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाया और अब कुआं बनवाया। बहुत ही खुशी हुई बेटा। इतने सालों तक कितनी दूर पानी लेने जाना पड़ता था, ये कुआं बनवाकर तुमने हमारी मेहनत कम कर दी। तुम 100 साल जियो, 100 साल। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। इस सुनामी के सामने रेप और किडनैप, यो बहुत अर्जेंट है, हट जा। मुझे भी अर्जेंट है बे। ये क्यों बे? बेचारी एक औरत को 3 लोग किडनैप करते हो। अबे क्या बकवास कर रहा है? सुनामी सुबु, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम मेरी भक्षक हो गई। मैं पेट से हूँ, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो मेरे पति और भाई को मार रहे हो तुम। अब मुझे कौन हॉस्पिटल ले जाएगा? डोमिनेट सेवा कर रहा था। रुको रुको रुको, लेट हो गया तो सिस्टर को यही डिलीवरी हो जाएगी, लेकर मार डालूंगा अगर फिर से दोबारा दिखा तो तू समझा। चलो चलो बहन चलो। टूट गई, आज 2 क्वार्टर ज्यादा पीना पड़ेगा। ओके सिस्टर, बाय जीजा जी। ओके अरे बाप रे, दोबारा दिखना मत तू। बाप रे, बुद्ध का अवतार। हाय। ओह, आप कैसी हैं आप? अच्छी होती तो मंदिर क्यों आती? मूवी देखने जाती, शिकार करने जाती। रुको जरा मेरी बात सुनो। क्या हुआ जी? उस दिन आपका बायां पैर नहीं था, आज दायां पैर नहीं है। ऐसा नहीं है जी, जरा सामने आइए। ओके। ये आपका बायां है, आपका बायां पैर मेरी दाईं तरफ है। अब पीछे आइए। अब आपका दायां पैर मेरे दाईं तरफ ही है। क्लियर? बिल्कुल सही। उस दिन मैंने आपको सामने से देखा था, आज मैंने आपको पीछे से देखा, यही कंफ्यूजन था। इसीलिए तो थोड़ा आगे पीछे देखते रहना चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? आगे पीछे देखने का मतलब ये नहीं है। खैर जो भी हो, भगवान ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। क्या किया? इतनी समझदारी, इतनी सुंदरता देने के बाद भी पैर नहीं दिया, बड़ा अन्याय किया। हाँ हाँ, अरे एक पैर से आपने कैसे किया? साधना करने से इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या बात है। हे भगवान, बेचारी के साथ कितना अन्याय किया आपने। ए, ए, तुम्हारे दोनों पैर हैं। रुको, तुमने मुझसे झूठ बोला। रुको। तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है मुझे। पर्सनल बातें मंदिर में नहीं करते। तो फिर कहाँ करते हैं? पहले हाथ छोड़ो। ए, रुको सुनो। हाथ पकड़ा था तो ऐसे क्यों भाग गई? हेलो बुद्ध के अवतार। हाँ? शाम को नेल पार्क रोड पर मेरे खेत के पास मिलते हैं। बाय। यस। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे प्यार करते हो क्या? हाँ। तो फिर शादी किससे करोगे? प्यार किया है शादी करने के लिए। मुझसे शादी करना मुमकिन ना हो तो जिंदगी भर मैं शादी नहीं करूंगा। तुम बहुत गहराई में चले गए हो। ये प्यार के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैं तुम्हें चाहे कितना भी पसंद कर लूँ, अगर भैया को छोटी सी भी बात नहीं पसंद आई तो मैं शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब? मुझे क्या चाहिए ये मुझसे ज़्यादा भैया को पता है। मेरे पहनने के कपड़ों से लेकर मेरे होने वाले पति तक सारी सिलेक्शन मेरे भैया ही करेंगे। लेकिन प्यार और शादी ये पर्सनल बातें होती हैं। मेरे भैया मेरी जान है, उससे ज़्यादा पर्सनल और कुछ नहीं। तुम्हारे भैया ने किसी अंधे या फिर किसी लंगड़े से तुम्हारी शादी करवाई तो कर लोगी? हाँ जरूर करूंगी। मेरे भैया की खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है। देखो, आपका दिल बुद्ध की तरह महान है। आपको और परेशान करने के लिए मैंने लंगड़ी होने का नाटक किया। किसी भले इंसान को परेशान करने की गलती की है, और ये पहली गलती है जो मेरे भैया को नहीं पता। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। देखो मेरी बात तो सुनो प्लीज। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मेरे भैया से आकर करना प्लीज। ओके? देखा तुमने, उसे पसंद है फिर भी जब तक मुझे पसंद नहीं होगा वो शादी नहीं करेगी। उसकी इच्छा अनुसार लक्ष्मी की शादी करवाना है, भाई के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। वो कैसा इंसान है, उसका परिवार कैसा है, हमें जल्द से जल्द जानना होगा। तो वो अच्छा है कि नहीं हम लोग अभी पूछ देते हैं। चुप रहो, इस दुनिया में किसी से भी पूछोगे तो वो कहेगा कि मैं अच्छा हूं। इसीलिए हम उसके घर पर नौकर बनकर जाएंगे। जब उसके करीब रहेंगे तो उसे अच्छी तरह जान जाएंगे। घर में इतने नौकर रखे हैं, आपको क्यों रखेगा? किसी भी घर की कोई भी बात हो वो नौकरों के कारण ही बाहर निकलती है। आप नौकर बनोगे ये मैं नहीं मान सकता। बहन की जिंदगी की बात है भैया। आपकी बहन बनना उस लड़की की खुशनसीबी है या उसका भाई बनना आपकी खुशनसीबी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घर में मैं नौकर हूँ ये मेरी खुशनसीबी है। हो गया अब चल। ये भी ना। जी बोलिए। वर्कर्स के लिए आपने क्वार्टर बनवा कर दिए हैं और हर त्योहार पे बोनस भी दे रहे हैं उन्हें। उनकी वजह से मैं कमाता हूँ, जो कमाता हूँ उन पे खर्च करता हूँ, दैट्स ऑल। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझिए। हमारे लिए काम करने वालों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स, आपको देखकर हमारे फैक्ट्री वर्कर्स भी हमसे इसी तरह की डिमांड कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अगर इस तरह से उन्हें सब कुछ देते रहे तो हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अच्छा होगा आप अपना रवैया बदल लें। धमकी दे रहे हैं आप? लेक्चर दे रहा हूँ। प्लीज क्या हुआ भैया? हाँ वहाँ देखिए। अरे जो हुआ वो बताओ ना। वो मैं रोड से आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया क्या? इसलिए तो तुम्हें ड्राइव करने से मना किया था। ड्राइवर क्यों नहीं लेके गया? एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऑफिस से जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने अटैक किया। गुंडे? मार के ठीक कर देना चाहिए था ना। सुनिए, ऑलरेडी उनका हाथ पैर टूट चुका है। भैया इन्होंने आके मेरी जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आपने आज हमारे जान से प्यारे देवर की जान बचाई। हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अगर आप लोग हमें कुछ काम दे देंगे तो। भैया ये नौकरी की तलाश में शहर में आए हैं, मैंने सोचा क्यों ना हमारे घर में काम कर लें, इसीलिए यहाँ ले आया। अच्छा काम किया। अच्छे लोग हमेशा अच्छा ही काम करते हैं। भैया आप जाकर रेस्ट कीजिए। तुम आराम करो, जाओ। हाँ। चलो भाई आ जाओ। भैया घर बहुत बड़ा है। हम तो इस घर में आराम से सेटल हो गए हैं। अब काम शुरू कर देंगे तो। मैं भी वही सोच रहा हूँ, कपड़े धोने का काम या बर्तन धोने का काम। हम जिस काम के लिए हैं वो। देखा भैया, सगा भाई नहीं है फिर भी इतनी देखभाल कर रहे हैं। वो सगे भाई नहीं है। हाँ भैया, ये सब भाई और बहन के बच्चे हैं, घर के नौकर ने बताया। ए, ए, कहाँ गुम है? खाना क्यों नहीं खा रहा है? छोटे साहब प्यार में पड़ गए हैं शायद। हाँ, वो लड़की कौन है ये बता देंगे तो अच्छा होगा। बताने में शर्म आ रही होगी इनको। वो लड़की हमारे लेवल की नहीं होगी शायद, गरीब घर की है क्या? कितना भी गरीब घर क्यों ना हो, उसने अगर पसंद कर लिया तो इस घर की बहू बनेगी। अगर वो हमसे भी बड़े घर की लड़की हुई तो? फिर भी वो लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। कैसे? उसने दिल लगा लिया है, इसीलिए हमारे फैमिली मेंबर्स उसके पैरों पर गिरकर ये रिश्ता करवाएंगे। हमारे देवर की खुशी हमारे लिए सब कुछ है। अरे इतना पर भी क्या सोच रहे हो बेटा? वो लड़की कौन है बता दो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इज्जत से बता दे। हाँ। नहीं तो तुम्हारी भाभी को तलाक दे दूँ। ये जो पूछ रहे हैं वो बता दो, वरना हमारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। बता दो ना वो लड़की कौन है। क्या बताऊँ भाभी, लड़की ने अभी तक हाँ नहीं बोला है। मतलब तुम उस लड़की को पसंद नहीं हो? पसंद हूँ ऐसा लगता तो है, पर पसंद नहीं हूँ ऐसा शो करती है। हर बात पे कहती है मेरे भैया की मर्जी, मेरे भैया की मर्जी। बेटा भैया से थोड़ा भाव भक्ति होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बहन की पसंद को भला कौन भाई मना करेगा? क्यों, क्या उनके भैया कोई भी हो उससे हमें क्या? उसका भाई क्या कोई शेर है जो मार डालेगा? छोटे साहब सीधे उसके भैया के पास जाइए और बोल दीजिए कि मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। कहीं मारेगा तो? अगर ऐसा हुआ तो तोड़ देंगे। भैया ने कहा तो नहीं मारेगा। ऐसे कैसे? वो मतलब वो कि भैया के मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो सच हो जाती है। कल ही जाके उसके भाई से बात करते हैं। अरे कल क्यों जाएंगे, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज ही जाकर उसके भाई से बात करके शादी तय कर लीजिए। इसने तो बहुत अच्छा मैनेज किया है। वाह, घर तो बहुत अच्छा है। पूरी फैमिली बैक आई है। आई आई भैया, ये है लक्ष्मी। ये तो महालक्ष्मी है। लक्ष्मी, ये मेरे भैया, मेरी भाभी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए ना। तुम्हारे भाई को तो बुलाओ बेटी। भैया भैया। नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना। आप सब मुंह खोल के ऐसे क्यों देख रहे हैं? बैठिए ना। हमारे घर का नौकर इस घर का मालिक बन गया। नौकर कैसे कहा? ये मेरे भैया हैं। वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है बेटी। इससे जब तुम बात कर रही थी भैया ने देख लिया था, इसलिए तुम्हारा भैया नौकर बनकर उस घर में गया ये देखने के लिए कि तुम्हारा होने वाला ससुराल कैसा है। ये क्या भैया, एक महाराज होकर नौकर के रूप में? अरे कुछ भी होने से पहले मैं अपनी इस बहन का भाई हूँ। बहन के लिए हमारे घर का नौकर बनकर तुमने हमारे घर में झाड़ू और पोछा लगाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लड़कियों को किस घर में ब्याहना ये देखने वाले इस जमीन पर आपके जैसा भाई होना सच में आपकी बहन की खुशनसीबी है। ये सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी जान है। भाई की मान रखने वाली बहन, बहन के लिए जान देने वाला भाई, ऐसा रिश्ता मिलना सच में हमारा सौभाग्य है। अब और देरी क्यों, रिश्ते की बात फटाफट करते हैं। हाँ। इस घर में सबसे बड़े चाचा जी हैं, आज इन्हीं के हाथों रिश्ता तय होगा। मुझे ये शादी नहीं करनी भैया। ये क्या कह रही हो? तुम्हें पसंद है इसीलिए तो मैंने ये सब किया। मतलब मेरी शादी करके मुझे भेजने की जल्दी में है आप? जल्दी में नहीं बहन, जिम्मेदारी। कभी न कभी लड़की की शादी करके ससुराल तो भेजना ही होता है ना। आज अगर माँ पिताजी होते तो वो भी यही करते। वो होते तो सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी शादी करवाते। पहले तुम्हारी शादी हो जाने दो बहन। आपकी शादी तय होगी तो ही मैं शादी करूंगी। अब बताइए आप कब करेंगे? करूंगा बहन। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ मेरी बीवी को भी तुम्हें उतना ही प्यार देना होगा। जिस दिन ऐसी लड़की मिलेगी उस दिन शादी कर लूंगा। और अगर ऐसी लड़की ना मिली तो? कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये क्या है भैया, आप हमेशा मेरी खुशी ही आगे रखते हैं, अपने बारे में तो सोचते ही नहीं। मेरे भैया हमेशा खुश रहें ये मेरी भी इच्छा है। अगर आप जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हमारे माता पिता को पता था कि बच्चे होने के बाद वो मर जाएंगे, फिर भी हमें जन्म दिया। क्यों भैया? इसीलिए ना, ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। उनकी ये इच्छा पूरी करने की आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मैं किसी की पत्नी नहीं, आपकी बहन बनके ही रहूंगी। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जिस लड़की से शादी करने के लिए कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है? ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे भैया से शादी करने को तैयार हो? तुम्हारे भैया की पसंद क्या है ये जाने बिना भैया से बात करके ही आई हूँ। तुम मुझे अपना जवाब बताओ। लक्ष्मी, क्या है ये? चुप हो जाओ, रो नहीं। घर वालों को छोड़कर जब कोई भी लड़की ससुराल जाती है तो वो दुखी होती ही है बहन, लेकिन ये दुख खुशी के लिए आते हैं, दुख के लिए नहीं आते हैं। मेरी बहन ने जिसे पसंद किया उसी से उसकी शादी हो रही है, इससे मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता है? वैसे भी तुम्हारे पास क्या कमी है? इतने अच्छे घर में जा रही हो, इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे उसके परिवार वाले हैं, इससे अच्छा तुम्हें और क्या चाहिए? भैया चाहिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। रो मत बहन, रो मत। मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? इस शादी के कारण हम दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि दो परिवार पास हो रहे हैं। बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू मैं सह नहीं पाता हूँ। अगर तुम खुश रहोगी तभी मैं खुश रह पाऊंगा। ठीक है बहन? सब क्या है जी? पहले अपनी बहन को इतनी हिम्मत देकर भेज दिया और अब खुद दुखी हो रहे हैं। बहन के सामने रोता तो वो दुखी होती, इसलिए अपना दुख अंदर छुपाकर यहाँ पे अकेला दुखी हो रहा है ये। लक्ष्मी एक इतने अच्छे घर की बहू बनी है, इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए, ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। अरे आप आइए ना, आखिर बहन की याद आ गई आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम लोगों से मिलने का मन किया और मैं चला आया। आपके मन में क्या है वो मैं सब जानता हूँ। अपनी बहन की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो यहाँ बहुत खुश है और सबसे घुल मिल गई है। जरा एक बार वहाँ देखिए। थोड़ा सा बहुत हो गया। बहुत अच्छा खाना बनाइए भैया, खाना बहुत स्वादिष्ट है, ठीक से खाओ। बहुत अच्छा। लक्ष्मी कौन आया है जरा देखो। भैया भैया आप कब आए? अभी आया बहन, अपनी बहन को देखने के लिए आया था और इस घर की बहू को देखा। ऐसी बहू के आने से हमें बहुत खुशी हुई। ये सब भगवान की दया है, पता नहीं हमने कितने अच्छे काम किए होंगे जो इतनी प्यारी बहू मिली है हमें। भाभियों के होते हुए मेरी बहन की कमी पूरी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ भैया। कोई भी लड़की अपने घर में खुश तो होती ही है, पर ससुराल में भी इतना खुशी से रहना सच में तुम्हारी खुशनसीबी है। फोटो यहाँ आपको देखे बिना लक्ष्मी नहीं रह सकती, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये फोटो लगवा दी। थैंक्स आकाश। बीवी के मन को समझने वाला तुम्हारे जैसा पति का मिलना मेरी बहन की खुशनसीबी है। आहा, मेरी नंदू का घर तो बहुत ही बड़ा है। नंदू, नंदू, नंदिनी कहाँ हो? कौन है? हाँ कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम हमारी नंदिनी हो ना? हाँ। बाप रे कितनी बड़ी हो गई हो, बचपन में इतनी सी थी। बचपन में हर कोई इतना ही होता है, आपके जितना नहीं। सही कहा बेटा। वैसे आप हैं कौन? अरे पागल, मैं हूँ कांता, सूर्यकांता, पहचाना नहीं क्या? तुम्हारे पिताजी के मामा जी की दूसरी बीवी की भतीजी हूँ, मतलब तुम्हारी मौसी हुई ना। बहुत पास की रिश्तेदार हैं आप तो। पास की हूँ, आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरी बची हुई जिंदगी को यहाँ बिताने का फैसला करके आई, चलेगा ना बेटी? वो मैं कैसे? मैं अरे इतना क्यों सोच रही हो नंदिनी, ये हमारे साथ इस घर की बड़ों के रूप में रहेंगी, अंदर ले जाओ। वाह बेटा, 100 साल खुशी खुशी जियो। आइए मौसी जी। आओ बेटी, चलो आओ। इतना अच्छा पति मिला है, तुम कितनी किस्मत वाली हो। ओ शूरवीर, जब तक तेरे वंश का मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। हेलो भैया। अरे आकाश कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हमारी लक्ष्मी कैसी है? भी अच्छी है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप मामा बनने वाले हैं। मामा? मतलब हमारी लक्ष्मी माँ बनने वाली है? अरे आकाश, बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। भैया भैया आशीर्वाद दीजिए। मामा ऊपर क्यों है? एक बार भगवान ने पूछा तुम्हारी बहन सुंदर है या चंदा मामा? हाँ। तब मैंने जवाब दिया कि मेरी बहन सुंदर है। तब भगवान को गुस्सा आ गया, तब भगवान ने एक तरफ तुम्हें रखा और दूसरी तरफ चंदा मामा को रख दिया। तुम्हारी सुंदरता के सामने चंदा मामा शर्मिंदा होकर छुप गए और तुम नीचे आ गई। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हैं? चंदा मामा ऊपर क्यों है ऐसा? नंदिनी से पूछने वाली मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है। आज मेरी प्यारी बहन देखो माँ बनने वाली है। घर तो बहुत अच्छा है। हमारे देवर का सिलेक्शन है। घर किसके नाम पे है? हमारे देवर के नाम पर है। मतलब तुम लोगों के नाम पे कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कुछ भी नहीं है इसलिए देवर के पास रह रही हो? क्या करें, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है तो चैन से रह रहे हैं। बिजनेस में लॉस हुआ तो जायदाद बेच दी। चाचा जी के बच्चे हैं इसलिए आकाश हमारे पतियों को यहाँ ले आए और उन्हें फैक्ट्री में नौकरी दे दी और हम सबको यहाँ लेकर आ गया। आह, अभी तो अच्छे भले हो, कल तुम्हारे देवर को बच्चे होंगे और तुम्हारे बच्चे उन पर बोझ बन जाएंगे तब। नहीं नहीं, हमारे देवर बड़े अच्छे इंसान हैं। असली रंग बाहर आने तक सब लोग अच्छे ही लगते हैं। वैसे भी ये तो तुम लोगों का मामला है। मैंने ही बुलाया है तुम्हें। किस लिए? बदला लेने के लिए। किससे लेना है? हमारे दुश्मन के परिवार से। मेरे पति ने जो शराब बनाई थी उसे पीकर 10 लोग मारे गए। इस बात का पता चलते ही उस शूरवीर ने हमें गांव से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हम शराब बनाकर उसके गांव बेचने लगे। जैसे ही वो बात उसे पता चली, की मौत का कारण बन गया और मुझे अकेला छोड़ दिया इस दुनिया में सड़ने के लिए। शूरवीर मर गया है ये पता होते हुए भी मेरे बदले की आग नहीं बुझी। मैं एक अच्छे अवसर का इंतजार कर रही थी। पता चला कि तुम भी उनसे बदला लेना चाहते हो। हम दोनों अगर हाथ मिला ले तो शूरवीर के परिवार का सर्वनाश कर सकते हैं। मुझे भी वही चाहिए। बोलिए, मुझे क्या करना होगा? अरे दे 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 दे, मेरी प्यारी भांजी, मेरी प्यारी लाडली, यहाँ देख, मामा जी को देख, चिची चिची, ले ले ले। बड़ी बेटी को उनकी नानी का नाम रखा है। दूसरे बच्चे का नाम उसके नाना जी के नाम पर रखेंगे। तो इस बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है क्या? इसमें सोचने की क्या बात है, इसका नाम भाभी के नाम पे रखो। नंदिनी आ जाओ। अरे नंदू, भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ बेटी? सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर, कांग्रेचुलेशंस। मुबारक भैया, कांग्रेट्स। भाभी, आज से मेरा घर आपका मैका है। मेरे घर में ही आपकी गोद भराई होगी, ठीक है? ठीक है ना भैया? नंदिनी की माँ नहीं है, तुम उसे मायका देने जा रही हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है बहन। भैया। हाँ लक्ष्मी। इस खुशी के मौके पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। चलो वादा किया। आपका बेटा हो चाहे बेटी, उसका जीवन साथी मैं ही चुनूंगी भैया। ठीक है बहन। आपके कहने से नहीं होगा। हाँ? एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए। तुम्हारा घर मेरा मायका है तो उसका जीवन साथी तुम चुनना चाहोगी तो इसमें गलत क्या है लक्ष्मी? अरे बेटी नंदिनी, नंदिनी बेटी, बेटी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी, बच्चा गर्भ में ही मर चुका है। ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। और इतना ही नहीं, अंदर काफी इन्फेक्शन फैल चुका है, जल्दी से ही हमें कुछ करना होगा। तो फिर बच्चे की उम्मीद करेंगे तो मां की जान को खतरा हो सकता है। बच्चे नहीं होंगे तो भी परवाह नहीं डॉक्टर, मुझे मेरी बीवी चाहिए। ओके, आई विल मेक अरेंजमेंट्स। चाचा जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर लक्ष्मी को। नंदिनी पेट से है ये पता चलते ही सबसे ज्यादा खुश हुई थी मेरी बहन लक्ष्मी। पैदा होने वाले बच्चे के लिए उसने कितने सपने देखे। जब उसे पता चलेगा कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो मेरी बहन सह नहीं पाएगी चाचा जी। रुको लक्ष्मी, इस बारे में सिर्फ तुम्हें पता है। अगर तुमने ये बात भैया को बताई तो तुम्हारे भैया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज। तुमने जो पाउडर दिया था वो मिठाई में मिलाकर मैंने अबॉर्शन करवा दिया। गुड, मैंने भी तुम्हारे कहने पर ऑपरेशन कर दिया है। उसकी कोख खाली हो गई है, ये रखिए। नंदिनी, ये सब क्यों हुआ हमारे साथ? शायद माँ बनने की खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। चीची, ये कैसी बात कर रही हो? देखना, तुम जरूर माँ बनोगी। अपने बच्चे को गोद में लेकर तुम उसे अच्छे से खाना खिलाओगी नंदिनी। बेटी नंदू, नंदू जूस पी लो बेटी। नहीं मौसी जी, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा नंदिनी, लो पियो। आप अब फैक्ट्री जाइए बेटा, काम पर जाने लगोगे तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। अपना ध्यान रखना। पी लो बेटी, दुखी होकर बैठने से नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ इस बारे में सोचो, सब समझ में आ जाएगा। मेरा शक है कि कहीं तुम्हें बच्चा हो गया तो उस पे और उसके बच्चों पर प्यार कम हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मी ने अबॉर्शन करवाया होगा। या फिर बहन के बच्चों से ज्यादा प्यार है इसलिए तुम्हारे पति ने ही करवाया होगा। नहीं, ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो दूसरे भाई बहनों की तरह नहीं है ना। कुछ भी मत कहिए मौसी जी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा इस घर की बहू बनने का कारण लक्ष्मी ही है। बहन के कहने पर बिना कुछ सोचे उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दिया और इस घर की रानी बना दिया मुझे। ऐसे लोगों पर शक करना पाप है। अरे पगली कहीं की, जिसका कोई नहीं है उसे इस घर की बहू बनाने पर वो सब कुछ सह लेगी, ऐसा ही सोचा होगा। चुप कीजिए मौसी जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हैं। इसीलिए मेरे पति और मेरी ननद के बारे में बकवास किए जा रही हैं आप। जो भी हो, मुझे जो सही लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर भी मुझे क्या, ये क्या लक्ष्मी, अगर तुम इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ? मैं हिया के बारे में सोचती हूँ तो खाना गले से नहीं उतरता। भैया ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भगवान ने ये अन्याय क्यों किया उनके साथ। उन्होंने मुझे सिर्फ भाई का प्यार नहीं दिया, माँ बाप का प्यार भी दिया है। जिस भगवान ने उन्हें मुझे दिया, शायद उन्हीं की नजर भैया को लग गई। मैं उनके बच्चे की बुआ नहीं बन पाऊंगी, यहाँ तक कि भैया के साथ उनका यह दुख भी बांट नहीं पाऊंगी। लक्ष्मी, तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। मुझे यहाँ संभालने के लिए आप हैं, पर वहाँ मेरे भैया सारा दर्द अपने दिल में लेकर अकेले तड़प रहे होंगे। सुनिए, बच्चों को लेकर मैं भैया के पास चली जाऊं क्या? हमारे बच्चे उनके सामने होंगे तो कम से कम उनका दर्द थोड़ा तो कम होगा। ठीक है लक्ष्मी, लेकिन तुम अंदर से दुखी हो, ये बात तुम्हारे भैया को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? मेरी पारू के बिना मैं नहीं जी सकता। ये जहर पी के मैं मर जाऊंगा। दारू के बिना जीभ लपलपा रही है। सोच रहा हूँ एक भैंस को बेचकर पी जाऊं। क्या बात है, किसी भैंस ने दारू पी रखी है क्या? कौन है वहाँ? ये पनौती इस वक्त क्यों टपक गया? क्या था वो? कुछ नहीं भाई। अरे वो पीछे क्या है? कुछ नहीं भाई। तो फिर ये क्या छुपा रखा है? विस्की। अरे वो जहर है भाई। जहर? हाँ। ये पूरा बॉडी जहर है बेटा। तुम बचपन में दूध पीकर बड़े हुए हो और मैं ये जहर पीकर। अरे भाई 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 वो जहर है भाई। भाई सिगरेट भी पी रहे हो, जाओ। अबे यार अजीब लग रहा है, ओल्ड स्टॉक था क्या? मैं अरे न्यू स्टॉक है भाई। यहाँ पे जलन हो रही है क्या? यहाँ पे जलन हो रही है क्या? अच्छा, यहाँ भी जलन हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल वही तो भाई। वो सच में जहर था भाई। जहर बोल रहा है? अरे वहाँ मेरी पार्वती की शादी हो रही है। वो दर्द मैं सह नहीं पा रहा था, इसलिए विस्की में जहर मिला के पीने ही वाला था कि बीच में तुम आके विस्की विस्की कह के पी लिए। कभी नहीं, तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो जाए, तू मर जाए। मैं जब जहर पी रहा था तो तूने हटाया क्यों नहीं? ये अच्छी बात नहीं है भाई, मेरा ही जहर पी के तुम मुझे ही गाली दे रहे हो। ये तुम मर्यादा के विरुद्ध जा रहे हो, ये ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। पारू तुम आ गई क्या? पार्वती, मेरी पार्वती आ गई भाई। पारू, पारू अरे मुझे बचा ले, अरे कोई बचाओ मुझे, मैं तो जहर खाने वाला था। हाँ सच कह रहा हूँ। एक मिनट भाई जरा बात करने दो। मेरे लिए तुम शादी के मंडप से उठ के भाग आई क्या? हाँ देवा। पारू भाई भाई जरा एक मिनट, तुम्हें एक बात बताऊं पारू, मेरे जिंदा रहने में इस देवता का हाथ है पारू। मैं जो जहर पीने वाला था वो इस महान आदमी ने पी लिया पारू। हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए पारू। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद मांग रहा है इस समय, इसकी जरूरत है क्या? ले चल हॉस्पिटल, ले चल, मुझे बचा ले। वो लोग आ रहे हैं भाई, अब हमें भागना होगा। अगर मेरा बेटा हुआ ना तो मैं उसे आपका ही नाम रखूंगा। ये हम लोग कहाँ है? स्वर्ग लोग कहाँ है? मैं तो अब तक मरा नहीं। लगता है मिलावटी जहर था, कसम खाता हूँ अब जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। गलती हो गई भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान। साहब जी, हर साल अपनी बहन के नाम पे आप कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं। इस बार अगर माता जी का मंदिर बनाएंगे तो अच्छा होगा। आपने जैसा कहा वैसा ही मंदिर में जरूर बनवाऊंगा। मैं लक्ष्मी को फोन करके आने को कहता हूँ, उसी के हाथों भूमि पूजन करवाएंगे। बहुत अच्छी सोच है बेटा, ये कार्यक्रम बढ़िया से संपन्न होगा। चाचा जी सारी तैयारी आपको ही करनी होगी। वो सब मुझ पर छोड़ दो, उधर देखो बात करती लक्ष्मी आ गई। तुम 100 साल जियोगी लक्ष्मी। आ जाओ बेटा आ जाओ। लक्ष्मी ए, कैसे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या हुआ मौसी जी? जरा वहाँ देखो। क्या हुआ, जीजाजी नहीं आए क्या? वो तो ऑफिस के काम में बिजी हैं। अच्छा, लक्ष्मी आई है? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी सर्वनाश करने वाली लक्ष्मी है। वैसे भी मुझे क्या। अच्छा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अरे चाचा जी, आप जल्दी से जाकर भूमि पूजन की तैयारी कीजिए। तुम कब आई? कैसी हो? अच्छी हो? बस कीजिए मौसी जी। कोई बात नहीं, खाओ बेटी। खाना किसने बनाया? क्या हुआ, नमक कम है क्या? मिर्ची ज्यादा हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, पर किसने बनाया है? मैंने ही बनाया है, बस यही बात है। यही सब्जी अगर मेरी बहन बनाई होती तो और स्वादिष्ट बनती, है ना? भाभी ने भी अच्छी बनाई है भैया, पर अगर तुम बनाती तो और भी स्वादिष्ट होती। बनाने वाले हाथ से खाने का स्वाद बदलता है। कुछ भी हो, बहन तो बहन ही होती है। हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ। एक जमाने में एक राजा था और उस राजा के 8 बच्चे थे, और वो आठों के आठों बच्चे जंगल में जाकर 8 मछली लेकर आए। रुकिए मामा जी, क्या हुआ? जंगल में जाने वाला जानवर लेकर आ सकता है, मछलियाँ कैसे लाएगा? ऐसा क्या, मुझे तो ऐसा कुछ शक ही नहीं। मामा जी, मामी आ गई। मामी आ गई। अब कहानी बहुत हुई, जाकर सो जाओ। हाँ, मामा जी के पास सोएंगे। मामा जी के पास ही सोओगे तुम लोग? रात बहुत हो गई है, अब बच्चों को भेज दीजिए। अरे नंदिनी, ये यहीं सोने के लिए कह रहे हैं ना। तो फिर मैं इतने बड़े घर में तुम्हें सोने के लिए जगह की कमी है क्या? कहीं पर भी जाकर सो जाओ। तो बताओ, हमारी कहानी कहाँ तक आई थी? इस घर में तुम्हारी क्या अहमियत है, अब तो समझ गई होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम कहाँ मेरी सुनती हो। अनुभव से ही कहा था तुमसे। हाँ, वैसे भी मुझे क्या। अब क्या हुआ, क्यों बुलाया तुमने? वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। हाँ, सेठ जी ने लोन देने के लिए हाँ कर दी है। आप जाके 1 करोड़ ले आइए। ये लीजिए पेपर्स। हॉस्पिटल की बात पे एक बार सोच लेंगे तो अच्छा होगा। आपने पहले भी ये बात कही है, मैंने सोच लिया है, हॉस्पिटल हम बनवाएंगे। ठीक है, कर्ज लेके वर्कर्स के लिए इतना करने की जरूरत है क्या? जरूरत है, जरूरत है, पर उसके लिए कोई लिमिट होनी चाहिए। पर आपकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। घर में आप जो कुछ बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ, लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ जो मैं कहूँगा आपको मानना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। बात वो नहीं है, वर्कर्स के लिए अगर। विल यू प्लीज गेट आउट? आज ऑफिस से गेट आउट कहा है, कल घर से गेट आउट होने को कहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो हम रोड पे आ जाएंगे। कांता मौसी ने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, ध्यान से रहिएगा। अभी ध्यान देंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप बात क्यों नहीं करती भाभी? अब तुमसे बात कर ही रहे हो ना, तो मुझे क्या। जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारी भी हो जाएगी। गारंटेड हल होगा। सबको मेरा नमस्ते। आप कौन है? हम लोग तो टेंशन में मर जा रहे हैं और आप कृष्ण भगवान की तरह हंस रहे हैं। हाँ। मेरी बात सुनिए, जहाँ प्रॉब्लम होती है वही सोल्यूशन होता है, और जब सॉल्यूशन होता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कुछ समझ में आया? ऐसी बात बोल सकते हो क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आकाश ने जीपीआर कंपनी की फाइल लेके आने को कहा है, साइन करने के लिए। हाँ, तो साइन करते वक्त मैं उसे फोन करूंगा। वो जब मुझसे फोन पे बात करेगा तब उसे पता लगे बिना ही इन स्टैम्प पेपर्स और ब्लैंक चेक्स पे साइन करवा लेना। ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है ना? ओके ओके सर, मैं भिजवाता हूँ। थैंक यू भैया। जेपी वालों का एग्रीमेंट रेडी है ना? रेडी है, बस तुम्हारे साइन की जरूरत है। हाँ भैया, बोलो। बाय। ये फाइल मैं भिजवा देता हूँ जीपीआर वालों के पास। ओके ओके। हेलो। यस, कांग्रेचुलेशंस। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी के शुभ हाथों से पूजा का कार्य प्रारंभ करवाइए। नंदू जाके अपने हाथों से पूजा प्रारंभ करो बेटी। नंदू जाओ जाओ बेटी। आपके बच्चे नहीं है ना, आपके हाथों से पूजा करना अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी तुम जाकर पूजा करो। भैया वो, अरे पूजा तुम्हें ही करनी होगी लक्ष्मी। जाओ बेटी। हाँ जाओ। बेटी जाओ। जो अपमान हुआ वो काफी नहीं है जो अभी तक यहाँ खड़ी हो। चलो इससे पहले कुआं बनवाया था, इस जन्मदिन पे मंदिर बनवाया जा रहा है। अब तो समझ जाओ तुम्हारे पति को चाहिए बहन और उसके बच्चे। ये पूजा तुम्हें करनी चाहिए थी, उस लड़की के हाथों करवाया। मतलब समझ रही हो ना, तुम्हारा पति तुम्हारी कितनी इज्जत करता है पूरे गाँव ने देख लिया। समझ में इस तरह से बोलिए ना, कौन कौन कितना लेगा? मैं बताता हूँ। सेठ के पास 1 करोड़ के कर्जे का नोट लिखा है आकाश ने, और एक नोट पे दस्तखत करवा के उसके नाम पे 3 करोड़ का कर्जा ले लिया, तो टोटल हो गए 4 करोड़। और आप नायडू को देने के लिए दस्तखत किए हुए चेक दिए ना, वो चेक से बैंक का पैसा सब हड़प गया। तुम चिंता मत करो, पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर पे दस्तखत करवा के फैक्ट्री बिकवा दिया। 5 करोड़। और उसने जो दस्तखत किए उससे हमारे माथे की लकीर हमारे माथे की लकीर बदलने का कारण मैं हूँ। मुझे भूल गए क्या? तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, इसीलिए तुम्हारे नाम पे 10 एकड़ रजिस्टर करवा दिया। देखो सास की जायदाद दामाद को मिल जाए तो ऐसा ही होता है। देखो इससे पहले कि ये बात तुम्हारे भाई को पता चले, कोई ना कोई बहाना करके इस घर से बाहर निकल जाओ। पकड़ो। पकड़ो मामा जी। ये लो। हाँ? हम शाम को चले जाएंगे। इतनी जल्दी? हाँ भैया कुछ जरूरी काम है। ये क्या बात हुई, तुम लोग अभी आए और अभी जा रहे हो? 2-4 दिन और रुकना चाहिए ना। आप क्यों? मुझे कार देंगे ना मामा जी? अरे कार क्या, कार के साथ साथ तुम्हें घर भी दूंगा। नंदू सुना क्या? मामा जी मुझे कार और घर देने वाले हैं। मैं नहीं आऊंगा, मैं मामा जी के पास आऊंगा। लक्ष्मी आकाश को जरूरी काम है इसलिए तुम लोग जाओ, लेकिन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, बाद में भिजवा दूंगा। ठीक है भैया। मेरे साथ रहोगे ना जी? अब बच्चों को रखना है तो लक्ष्मी को भी रहने दीजिए ना, नहीं तो लक्ष्मी के साथ साथ बच्चों को भी भेज दीजिए। माँ और बच्चों को दूर करना अच्छी बात नहीं है। आधी रात को बच्चे उठकर अपनी माँ को ढूंढेंगे तो क्या करेंगे आप? छोटे बच्चे अपने पिता से दूर रहे तो कोई बात नहीं, पर माँ से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकते। माँ और बच्चों के बारे में तुम इतना सोचती हो, फिर भी तुम्हें भगवान ने बच्चे ना देकर बहुत अन्याय किया है। भाभी आप देवी हैं, बच्चे को माँ से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसा ख्याल एक देवी के मन में ही आ सकता है। मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी भाभी हैं और मेरे बच्चों की मामी। तुम दोनों भाई बहन ही तो मेरे खाली कोख का कारण हो। तुम दोनों को अलग करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें नींद अगर आ भी गई तो भी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। हे चॉकलेट लेके आया हूँ, सबको मिलेगी। ठीक है सबको चॉकलेट दे दो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हेलो मैं नायडू बोल रहा हूँ। नमस्ते नायडू जी, आपको चेक मिल गया ना? मिल जाता तो फोन ही क्यों करता? 1 हफ्ते पहले चेक भेज दूंगा बोला था, अब तक नहीं भेजा है आपने। मोबाइल पे फोन किया तो स्विच ऑफ, ऑफिस पे फोन किया तो पता चला नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। नहीं सर, दरअसल मैं अपने ससुराल गया था। ससुराल जाओ या कहीं भी जाओ, समय पर पैसे देना सीखो। मैंने अपने भाई को चेक दिया था सर। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस अपना चेक चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। भैया क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, क्या हुआ? नायडू जी को चेक क्यों नहीं भेजा आपने? नायडू क्या है ये, चेक क्या है ये? आप क्या कह रहे हो भैया? गांव जाने से पहले मैंने आपको 60 लाख का चेक दिया था ना। मुझे दिया था क्या? नहीं तो। ये आप क्या कह रहे हो भैया? आपके सामने दिया था मैंने। था तो, पर चेक दिया ये मुझे पता नहीं। पता नहीं? अगर दिया होता तो याद होता ना। क्या मतलब? चेक देने के बाद मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं क्या? लग तो ऐसा ही रहा है, वो पैसे आप लोगों ने खा लिए, ऐसा इनका कहना है। ये क्या कह रही हैं दीदी? उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमारे पतियों पे इल्जाम लगाकर इन्हें चोर बता रहे हैं। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हम तुम्हारे भरोसे इस घर में थे और तुमने हमें ये सलाह दिया। खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? जितना अपमान हुआ उतना काफी नहीं है, अब और कुछ भी होना बाकी है। अब हमें इस घर में एक पल नहीं रुकना चाहिए। भैया आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने टेंशन में कह दिया होगा। आप लोग तो बड़े का सामान होता तो ये ऐसे बात करता। आज ये कह रहे कि हमने 60 लाख खा लिए, कल को कहेगा कि हमने 60 करोड़ खा लिए। बिना पैसों के गरीबी में जी सकते हैं, पर ऐसी बातें सुनने के बाद नहीं जी सकते। चलो दीदी, चलो आप ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चाहिए जाकर उन्हें रोकिए। हमें रहना है ठीक है। चाचा जी हाँ, आप पहले 20 लाख लेकर जाइए। हाँ, और मंदिर के कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए। बचे हुए 20 लाख वो मंदिर का काम होते ही दे देंगे। अच्छी बात। देखा देखा लाखों रुपए कैसे खर्च कर रहा है बीवी के लिए। कभी भी ऐसा खर्चा किया क्या? श्रीपुरम से आचार्य जी ने फोन किया। ठीक है, देवी की मूर्ति तैयार है, हम अगर जाके ले आए तो। अब चाचा जी आप पंडित जी के साथ श्रीपुरम जाइए, मैं जाकर बैंक से पैसे निकालता हूँ और सीधे वहीं आता हूँ। ठीक है। बैंक जाके और पैसा निकालने के लिए कह रहा है। ये देखना, मंदिर पूरा होने तक और 25 लाख। ऐसा होगा तो तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए क्या बचेगा? चिल्लर रह जाएगा। वैसे भी मुझे क्या ऐसा मत कहिए मौसी जी, अब आप ही बताइए क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी सुंदर हो, पति को पल्लू से बांध के रखो, नंदू नंदू कह के मौका मिलने पर तुम्हारे आसपास घुमाने पे मजबूर करो। वो देखो बातों बातों में अशोक आ गया। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। वो देखो वहाँ है मूर्ति, देवी जी की मूर्ति बहुत अद्भुत है ना? हाँ हाँ बहुत सुंदर है। आचार्य जी का हाथ लगते हैं किसी भी मूर्ति में जान आ जाती है। ये सब तो आपका सम्मान है। थोड़े समय में मूर्ति पॉलिश होकर तैयार हो जाएगी, फिर आप ले जा सकते हैं। ठीक है। क्यों बेटा अचानक क्या हुआ? अब क्या हुआ पता नहीं। अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, मिस्टर आकाश, इस घर को जब्त किया जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पति ने सेठ जी से 4 करोड़ का कर्जा लिया, तो कुछ तो करेंगे ना वो। इस घर में मौजूद सोना, जेवर, पैसे, मूवेबल्स, इमूवेबल्स, कोई भी वस्तु होगी तो घर से बाहर नहीं जा सकती है। दिस इज कोर्ट्स ऑर्डर। मिस्टर आकाश, घर और घर में मौजूद सभी चीजों की गिनती की तो भी आपके ऊपर 3 करोड़ का कर्ज बाकी है। वन मोर थिंग, आपने नायडू जी को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, उससे संबंधित अरेस्ट वारंट भी आपके ऊपर है। हाँ सर। यस सर। प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, मेरे भैया को यहाँ बुला लीजिए, आपको जितना चाहिए सब सेटल कर दूंगी। माफ कीजिए, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। कांस्टेबल। यस सर। 1 मिनट सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं भैया को फोन करती हूँ, वो अभी आ जाएंगे। सॉरी मैडम, अब कुछ भी करेंगे तो फायदा नहीं है। 3 करोड़ कोर्ट में भर के आप अपने पति को छुड़वा सकती हैं। बोल रही हूँ। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी, बोलो। भैया से बहुत जरूरी बात करनी है, भैया को फोन दीजिए ना। वो तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं, तो मैं उनके मोबाइल पे फोन करती हूँ। हाँ, अरे मोबाइल तो घर पर छोड़कर चले गए। अरे रे, अब क्या करूँ? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? क्या बात है लक्ष्मी? भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है भाभी, मेरे जेठ ने हमको धोखा देके सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। कर्जे वालों ने केस कर दिया और कोर्ट ने हमारे घर को सीज कर दिया, उन्हें अरेस्ट भी करके ले गए हैं। मैं बच्चों को लेकर रोड पर खड़ी हूँ, शाम तक अगर 3 करोड़ नहीं भरेंगे तो उन्हें नहीं छुड़ा पाऊंगी। ऐसी परिस्थिति में भैया के अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं है। अरे कितनी मुसीबत आ गई लक्ष्मी तुम पर। भाई आएंगे तो उन्हें ये सब बता के उन्हें यहाँ भेज दोगी भाभी? जैसे ही आएंगे भिजवा दूंगी, तुम हिम्मत रखो। हाँ, बाप रे, 3 करोड़ चाहिए इसे? कितने भी करोड़ क्यों ना हो, हम ये बात तुम्हारे पति को थोड़ी ना बताएंगे, वो वहाँ पे इंतजार करती बैठी रहे। हाँ, कहीं लक्ष्मी को कुछ हुआ तो नहीं है? हवा से हार सूख गया होगा, उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं चाचा जी, मेरा मन बहुत बेचैन है, एक बार लक्ष्मी से फोन करके बात करता हूँ। आकाश का फोन स्विच ऑफ है और घर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बहन इस वक्त अपने घर पर क्यों होगी? आज उसका जन्मदिन है ना, अब तक हमारे घर पर आ गई होगी। घर का नंबर लगाओ। हाँ सही कह रहे हैं। खाओ खाओ खाओ। हेलो। हेलो नंदिनी, लक्ष्मी आई है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं आई? नंदिनी, मैं जब से यहाँ आया हूँ सब अशुभ ही दिखाई दे रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है कि लक्ष्मी किसी परेशानी में तो नहीं है। कुछ नहीं है जी, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे और वो जैसे ही आएगी मैं आपको फोन करके बता दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी अपने घर पर भी नहीं है और हमारे घर पर भी नहीं है। मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। जरूर मेरी बहन किसी मुसीबत में, ऐसा मेरा मन कह रहा है। मैं अभी उसके घर जाता हूँ, आप मूर्ति लेकर अपने गाँव पहुँचे। बहन नहीं आई इसलिए तुम्हारे पति इतने चिंतित हो रहे हैं, मतलब मुझे कुछ तो डाउट है। क्या डाउट है? क्यों नहीं आई है ये जानने के लिए, अगर सीधे उसके घर पहुंच गए तो? बाप रे, अगर वो वहां चले गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा, 3 करोड़ चले जाएंगे। मैं जाने दूंगी क्या? मेरे पास करोड़ या जायदाद नहीं होंगे तो भी अनुभव तो मेरे पास है। तुम्हारे पति को अर्जेंटली यहाँ पे खींच कर लाना होगा। हेलो, लक्ष्मी आ गई क्या? वो नहीं आई है, पर यहाँ पे नंदिनी के सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द? हाँ बेटा, सुबह से उसे ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुभ हो रहा है, इसलिए टेंशन में थी और उसी टेंशन की वजह से ना बेचारी की यह हालत हो गई है। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाइए। हाँ, फिक्र मत करो, डॉक्टर को फोन कर दिया है, इससे ना आपसे बात करनी है। लो बात करो बेटा। हेलो नंदिनी, सुनिए, अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा, बहुत तकलीफ हो रही है। आपको देखे बिना कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐसा डर लग रहा है मुझे। हाँ, जल्दी आ जाइए ना जी। तुम फिक्र मत करो नंदिनी, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। मेरी लाडली। माँ, राखी किसके लिए माँ? आज रक्षाबंधन है ना, तुम्हारे मामा जी को बांधने के लिए। नंदिनी, नंदिनी अब कैसी है डॉक्टर? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बीपी थोड़ा ज्यादा हो गया था, मेडिसिन दे दी है, शी विल बी ऑल राइट। चलते हैं। ओके। अब कैसी हो तुम? सुनिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है नंदिनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निश्चिंत होकर सो जा। हाँ, सो जा। ए, सो जा। अरे आप मत जाइए। बैठो बेटा, मैं देखती हूँ। जल्दी देखिए, लक्ष्मी होगी। हेलो हेलो, लक्ष्मी है ना? रॉन्ग नंबर है बेटा। रॉन्ग नंबर? किसी भी तरह आज के दिन इन्हें इनकी बहन से मिलने से रोकना होगा। लक्ष्मी अभी तक क्यों नहीं आई? कम से कम फोन तो कर सकती थी। मौसी जी। हाँ, क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी ने फोन किया था क्या? नहीं तो नहीं किया। अब कैसे करेगी फोन? फोन क्यों नहीं लग रहा है? लक्ष्मी, खाना खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, महारानी की तरह रहने वाली तुम्हें और अपने बच्चों को आज मैं रोड पे ले आया हूं। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया लक्ष्मी? ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छे लोगों की ही वो भगवान इतनी परीक्षाएं लेता है। आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बच्चा को देखिए, आपके बिना इनका क्या होगा? अपने लिए ना सही, इनके लिए ही थोड़ा सा खा लीजिए। तुम भी खा लो। हमने खा लिया है डैडी, आप खाइए। पहले तुम खा लो। डैडी, सुनिए, मैं भैया के पास जाकर आती हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये बात भैया को पता ना चले तो ही अच्छा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। और जब भी मुसीबत में आती हूँ तो भैया के अलावा और किसके पास जा सकती हूँ? उनके अलावा और कौन बचाएगा हमें? ठीक है, संभल कर जाना। मेरी तबीयत खराब है फिर भी चले गए। बहन मुझसे भी बढ़कर हो गई क्या? अरे सुनो भाई, क्या गलत किया था? क्यों तुम लोगों ने उसे परिवार के साथ रोड पर कर दिया? तुम्हारी तो हम सब बताते हैं तुम्हें। जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका क्या धरा है? इन सब का कारण वो सूर्यकांता है। कुछ भी कहो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ अन्याय किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं। छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए। हम आपके आगे चलते हैं। इनका चेहरा देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोग अपनी गलतियों को मान लो और शाम तक आकाश छूट जाना चाहिए, वरना अच्छा जग तोड़ दिया। पनौती कहीं के पनौती, जाओ। अच्छा चलो, उन्होंने मारा। भाभी, ओ तुम आई हो, मुझे लगा कोई भिखारी आया है। बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ पर ही तो जाते हैं बच्चे। जरा हालत तो देखो इसकी। परिस्थिति ऐसी आ गई है भाभी, वो पुलिस स्टेशन में है। उसने जो किया होगा उसका परिणाम भुगत रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो कैसे हैं क्या आप नहीं जानती? 3 करोड़ जब तक नहीं भरेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। बस भैया से बात करूंगी। और 3 करोड़ भीख मांगने आई हूँ यहाँ पर। और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। बचा हुआ भी लेकर जाने का इरादा है क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, मेरी परिस्थिति। क्या है तुम्हारी परिस्थिति? जैसे ही उस घर में कदम रखा तुम्हारा पति जेल में चला गया और अब हमारे घर में चली आई हो। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। क्या कह रही है भाभी? कोई भी औरत अपने मायके का विनाश करना चाहेगी क्या? भगवान करे मेरे भैया 100 साल जिए, मेरे मायके का दीपक हमेशा जलता रहे। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? नंदू तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। देखो बेटी, लड़की की शादी करवा के भेजने के बाद दुख हो या सुख हो, मौत हो या जिंदगी हो, सब ससुराल में ही होना चाहिए। शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद मायका, भैया, मुसीबत, इन बातों की लंबी लिस्ट बनाकर लेकर आओगी तो तुम्हारे भैया के संस्कारों का क्या होगा? अभी अभी तो इनकी जिंदगी शुरू हुई है। अब तुम यहाँ आकर फिर से मुसीबत खड़ी मत करो। मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। भैया भाभी हमेशा खुश रहे यही मेरी प्रार्थना है। अगर ये बात सच है तो जिस रास्ते से आई हो वहीं से चली जाओ। इतना ही नहीं, कोर्ट में जो तुम्हारे पति को छुड़वाने के लिए 3 करोड़ भरने हैं उसके बारे में तुम अपने भैया को बताना तक नहीं। ठीक है भाभी, नहीं बताऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है, राखी का त्योहार भी है। भैया के आने के बाद राखी बांधकर चली जाऊंगी मैं। क्यों? राखी नहीं बांधोगी तो मर जाओगी क्या? बचपन से लेकर आज तक मैं भैया को राखी बांधे बिना नहीं रही हूं। तब से रहना सीख लो। तुम अपने भैया से जितनी दूर रहोगी ना तुम्हारे भैया अपनी बीवी के उतने करीब रहेंगे। माँ 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 भूख लगी है माँ। खड़ी क्यों? जाओ ना। ठीक है जाती हूँ भाभी। बच्चों को भूख लगी है, इन्हें थोड़ा सा खाना खिला दो, इनके खाने के बाद चली जाऊंगी। बच्चे हैं ये सोचकर दया मत दिखाना। खाने के बहाने इसके भैया के आने तक यहीं रुकने का प्लान बनाया होगा। पहले ही पनौती लगी हुई है। ए, इज्जत से बोल रही हूँ, तुम्हारे भैया के आने से पहले इन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। चलती हूँ भाभी, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना मिल जाए। खाना वाना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। सुनो आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अपने भैया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना। तुम्हें अपने भैया की कसम है लक्ष्मी। इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है। शर्म नाम की चीज है या नहीं? ये तो वो है जो बातों से नहीं मानते। लो तो उसे समझाना होगा। अरे लक्ष्मी जी ये सब क्या है? इस हाथों से आपने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा और आज लोगों के सामने अपने बच्चों के खाने के लिए फैला रही हैं। असल में उस बुढ़ी ने जब से इस घर में कदम रखा है इस घर की शांति खत्म हो गई है। लक्ष्मी जी मेरे घर चलिए आप, मैं खिलाऊंगा सबको। चलो बेटा, चलो बेटा आ जाओ, चल आजा आजा गोदी में आजा। से खिला दूं? पेट भर के खाना बेटा। ये सब क्या है? क्यों रे? मैं सुखी रहूं ये तुझे पसंद नहीं है? इसे यहाँ लाकर क्यों रखा है? और तू पति जेल में सड़ रहा है इसकी फिक्र नहीं है, तेरे भैया परेशान है इसकी फिक्र नहीं है। तुझे और तेरे बच्चों को बस खाने के लिए चाहिए। हाँ बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे इसलिए देखा नहीं गया मुझसे। बच्चों से हमें प्यार नहीं है तो तुम्हें किस लिए? हाँ, ये क्या तेरे बच्चे हैं? या फिर बच्चों के पैदा होने के बाद इन्हें तुमने रख लिया? इस घर में एक नौकर की औकात है तुम्हारी और मेरी मौसी पर हाथ उठा रहे हो तुम। सच है, ऐसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि ऐसी औरत को तो काट करके रख देना चाहिए। काट दूंगा मैं तुझे। मत मारो। नहीं लक्ष्मी जी, मैं इस औरत को काट के रख दूंगा, सच कह रहा हूँ। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। इस देवी का चेहरा देखकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें। माँ, हमें खाना नहीं चाहिए माँ, चलो चलते हैं। चलो बेटा, चलो। शेर घूम रहा है माँ। बेटा, अरे भैया, बेटा उठो भैया, भैया सुनो, उठो ना भैया, उठो। मैं क्या करूं भैया, भैया उठो। पिंकी, इसे पकड़ना। बेटा आगे खोल, थोड़ा सा पानी पी ले बेटा। राजू, राजू उठ बेटा। माँ, मेरा बच्चा। माँ, भूख लग रही है माँ। माँ, मुझे भी भूख लग रही है माँ। नंदू, लगता है तुम्हारे पति आ गए। लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी यहाँ आई है क्या? आई थी हमारे घर पे, हमारे लिए नहीं, शिवाजी के घर पे आई थी। जैसे ही हमें पता चला, हम उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। वहाँ क्या देखते हैं, शिवाजी और वो रंगरलिया मना रहे थे। और क्या? इस पवित्र खून पर तुम लोग इल्जाम लगा रही हो। भैया, बहुत बुरा हुआ भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या बात है बेटा? मुसीबत में बहन बच्चों को लेकर मेरे घर आई थी, इन लोगों ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। बच्चों ने भूख लगी है कहा तो मैं अपने घर खाना खिलाने ले गया। फैलाने वाला मुंह में भी नहीं गया था, इन्होंने खाने पर लात मार दी। कोई भी औरत मुसीबत में होगी तो उसे भगवान याद नहीं आता, मैं का ही याद आता है। मेरी बहन ने ये सोचा होगा कि अपने भाई के पास आने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसी हालत में तुम लोगों ने मेरी बहन को भगा दिया। अरे तुम लोग इंसान हो क्या? भूख भूख करने वाले मासूमों को तुमने एक निवाला तक नहीं दिया, और जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें लात मारा। कैसी औरत हो तुम? आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी बहन से इतना नफरत करती हो? ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? जब तुम्हारा कोई नहीं था तो उसने मेरी फैक्ट्री में तुम्हें नौकरी दिलाई, यह गलती है उसकी? तुम्हारे बारे में ठीक से जाने बिना उसने तुम्हें इस घर का महारानी बना दिया, यह गलती हो उसकी। तुम जो खाना खा रही हो, जो कपड़े पहन रही हो, जो जिंदगी जी रही हो, वो सब मेरी बहन की दी हुई भीख है। नहीं, सजा है। आपके कुछ भी करने पर मैं चुपचाप बैठूंगी, इसलिए अनाथ होने के बावजूद मुझे इस घर की बहू बनाने वाली आपकी बहन है। लाखों रुपए उस पर लुटाने पर भी मैं चुपचाप बैठी देखती रहूंगी, इसलिए मुझे इस घर की महारानी बना दिया उसने। बंद करो। अच्छाई करने पर भी उसमें बुराई ढूंढने वाले तुम्हारे जैसे लोग किसी की महानता क्या जान पाएंगे? जानने की जरूरत आपको है। बहन ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती, बीवी भी जिंदगी का हिस्सा होती है। बहन के बच्चे ही सिर्फ काफी नहीं होते, हमारे अपने बच्चे भी होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। पता है, सब पता है। तुम्हारा अबॉर्शन करवाने की वजह, तुम्हारा कोख निकलवाने की वजह तुम्हारी अपनी ये मौसी है, मुझे ये भी पता है। हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए इसने हमारे घर में कदम रखा है, ये भी मुझे पता है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चुप हो जाओ तुम। हमारे साथ इतना करने के बाद भी पता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि तुम एक औरत हो और मेरी माँ की उम्र की हो, इसलिए। अगर ऐसे लोगों की बातें तुम सुनोगी तो जिंदगी भर तुम्हें रोना होगा। एक और बात तुम्हें पता है, बीवी को प्यार करने वाला हर व्यक्ति क्या अपनी बहन को प्यार करता है ये नहीं पता, लेकिन बहन को प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी बीवी को जरूर प्यार करता है, ये मुझे पता है। हर भाई चाहता है कि उसकी बहन ससुराल में खुशी खुशी रहे, और इसीलिए जब उसके घर में लड़की आती है तो उसे लगता है कि उस लड़की को भी खुश रखना चाहिए। मेरी प्यारी बहन से जिस प्यार को तुमने अलग कर दिया है, वो प्यार अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरी बहन की मुसीबत को ना सुलझाने वाली ये जायदाद, ये पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जिस घर से मेरी बहन को निकाल दिया गया है, अब उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मार डालूंगा। बेटी नंदू, माँ पापा के पास चलते हैं ना माँ? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। पापा के पास जाएंगे तो खाना मिलेगा। बच्चों से हमें प्यार नहीं है तो तुम्हें किस लिए है? ये क्या तुम्हारे बच्चे हैं? आज के बाद अपने भैया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना। तुम्हें अपने भैया की कसम है लक्ष्मी। माँ कुछ बोलो ना, माँ कुछ बोलो ना। पापा के पास चले क्या माँ? हाँ माँ, हमें बहुत भूख भी लगी है। ठीक है, चलते हैं, पर पापा तो बहुत दूर हैं। यहाँ पास में ही नाना जी का घर है, वहाँ जाएंगे ना तो तुम्हें पेट भर के खाना मिलेगा। वहाँ पर कोई हमें मारेगा तो नहीं ना माँ? मारने वाला, गाली देने वाला वहाँ कोई नहीं होगा बेटा। तो फिर चलते हैं ना माँ? चलो। माँ, ये घर नहीं है, ये तो कुआं है। कुएं के नीचे ही नाना जी का घर है, वहाँ जाएंगे ना, हम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो पहले मैं जाऊंगी। नहीं, पहले मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगी। नहीं, पहले मैं। तुम दोनों मुझे छोड़कर जाओगे क्या? हम सब साथ चलेंगे माँ। मैं हूँ बहन, तुम्हारा भैया। क्या गलती बहन, मैं आ गया, मुझसे बात करो। लक्ष्मी मुझसे बात करो, नहीं अपने भैया से बात करो। लक्ष्मी हमारे साथ अन्याय करके नहीं चाचा जी, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अपने भाई को छोड़ के लक्ष्मी कहीं जा सकती है क्या? नहीं लक्ष्मी उठो बहन, अपनी आंखें खोलो बहन। लक्ष्मी 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 चाचा जी मेरी लाडली बेटा, अरे उठ जा, देखो तुम्हारा मामा आया है। अपने मामा से बात करो मेरे बच्चों। ए बेटी उठ जा, अरे उठो, तुम्हें पेट भर के खाना दूंगा मेरे बच्चों, उठ जा। बेटा जन्मदिन पर मेरे भैया के पास ही आऊंगी, उनसे मेहंदी लगवाऊंगी। जिस दिन भैया से मेहंदी नहीं लगवा पाई या उन्हें राखी नहीं बांध पाई तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लक्ष्मी अगर तुम जिंदा रहोगी तो ही तुम्हारा ये भाई जिंदा रहेगा मेरी बहन, ये बात तुम भूल गई ना। लक्ष्मी अरे बेटा बेटा, क्या हुआ? भैया 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 भैया, क्या हो गया? चाचा जी दुनिया में हर कोई जन्म लेता है और मौत के साथ सभी जुदा भी हो जाते हैं। ये भाई बहन जन्म के साथ एक दूसरे से मिले और मरने के बाद भी एक दूसरे से मिल गए।